चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले, देश मसाले। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है, मैं फलक शेख। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। थाने से सटे भिवंडी शहर में अमली पदार्थों का व्यवसाय बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसके कारण शहर में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भिवंडी शहर में शांति नगर पुलिस व अपराध शाखा भिवंडी के संयुक्त रूप से दो अलग अलग कार्रवाई में लगभग 8 किलो गांजा सहित 10 लाख रुपए तथा दो तलवार भी जब्त किए हैं। एक ही दिन दो कार्रवाई होने के कारण अमली पदार्थ बिक्री करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले मामले में अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक होनमाने को खबरी द्वारा शांति नगर क्षेत्र के गायत्री नगर स्थित रिजवान खुर्शीद खान के घर में शस्त्र रखने की जानकारी मिलते ही पुलिस उप निरीक्षक शरद बरखड़े, साहा पुलिस उप निरीक्षक राम सिंह चौहान, पुलिस कर्मचारी शिरसाठ, पाटिल, अलहट, चौधरी, कुम्भार आदि पुलिस पथक ने संदिग्ध व्यक्ति के घर पर छापा मारा तो घर में दो धारदार तलवार मिली और घर की तलाशी लेने के दरमियान 3 किलो 250 ग्राम गांजा जब्त किया गया। कुल 98,500 रूपए की कीमत के मुद्दे माल बरामद किया तथा आरोपी सहित मामले को अपराध शाखा ने शांति नगर पुलिस स्टेशन को हस्तांतरित कर दिया है। इसी प्रकार शांति नगर पुलिस स्टेशन ने कुछ व्यक्तियों द्वारा गांजा बिक्री करने की जानकारी पुलिस उपायुक्त योगेश चौहान के संज्ञान में आई थी। शहर में अवैध रूप से अमली पदार्थों की बिक्री जारी है, जिसके अनुसार कार्रवाई करने के लिए सख्त निर्देश दिए जाने के कारण सहायक पुलिस आयुक्त प्रशांत ढोल, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शीतल राउत, पुलिस निरीक्षक किरण कबाड़ी के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक कैलाश टोकले, सहायक पुलिस उप निरीक्षक शेलके, कर्मचारी वडे, दलवी, इंगले, पाटिल, कापरे, पाटिल आदि पथक ने शांति नगर केजीएन भाजी मार्केट स्थित अब्दुल कादर, अब्दुल जब्बार शेख, अकबर हुसैन, अब्दुल अजीज शेख निवासी शांति नगर को हिरासत में लेकर घर की तलाशी लेने के बाद 4 किलो 970 ग्राम गांजा बरामद किया। आशीष राजभर की रिपोर्ट। कुछ दिनों से जो शांति नगर के एरिया में और बाकी जगह पे भी ऐसा कंप्लेंट्स आ रही थी कि भाई कुछ लोग जो है ये गांजा का जो है ये धंधा कर रहे हैं। एमडीपीएस एक्ट के तहत जो चीज़ें रहती उसके सीपी जो हमारे डॉक्टर सुरेश कुमार मेखला सर है, एडिशनल सीपी हमारे अनिल कुंभारे सर है, मैं खुद उसमें हुआ और हमारे एसीपी साहब जो है प्रशांत ढोले, इनके मार्गदर्शन के तहत जो हमारी सीनियर पीआई है शांति नगर शीतल कुमार राउत, उसके बाद जो है प्रशासन की पीआई जो हमारी किरण कबाड़ी, एपीआई कैलाश टोकले, एपीआई शेड़के और पुलिस नाईक 18-19 बोड़े, पुलिस नाईक 45-71 दलवी, पुलिस सिपाही 19-97 इंगले, पुलिस सिपाही 17-72 पाटिल, पुलिस सिपाही 643 कापरे, पुलिस सिपाही 47-14 पाटिल, इन सब लोगों ने मिलकर ये पूरा टीम वर्क करके इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सर, क्या लगता है ये आरोपी कितने सालों से शांति नगर सेक्शन में गांजे का धंधा कर रहे थे? नहीं, इसके बारे में सत्यगंज क्या पूरा मामला है? कल 2 तारीख को होंगे भिवंडी क्राइम ब्रांच के हथियार है, प्राण घातक है, बड़े हथियार है, उसकी लंबाई देखेंगे तो 30 इंच है, एक तलवार की दूसरी तलवार के 30 इंच और 8 सेंटीमीटर 8 इंच है, ऐसा लंबा और बड़ा हथियार है। जो उसने रखने का कारण क्या है उसकी तहकीकात और उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है।